हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं गाइस। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। तो आज हम बना रहे हैं ड्राई फ्रूट्स पुलाव। बहुत ही इजी है बनाना गाइस। अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट भी आ जाए तो आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। 10 मिनट में ये आपके पुलाव रेडी हो जाएंगे। तो और खाने में इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है और बहुत जल्द बन भी जाते हैं। तो चलिए बताते हैं कि ये कैसे बनती है। तो ये कैश्यू है, आप 10 से 12 आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। और ये आलमंड्स है, किशमिश है 10 से 12, और आलमंड्स भी आप 10 से 12 ही लीजिएगा। अगर आपकी ख्वाहिश है तो आप कोई और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून ज़ीरा लिया था, 2 जावित्री हमने लिया था, 3 से 4 हरी इलायची हमने लिया था, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग है और 2 तेज़पत्ता है। और ये चावल है, तो चावल हमने इसी प्याले से हमने लिया था, 1 प्याला हमने लिया है। और इसका डबल आप पानी लीजिएगा, जितना आप चावल लीजिएगा उसका डबल आप पानी लीजिएगा, तो आपके पुलाव बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए बताते हैं कि कैसे बनती है। तो हमने एक बर्तन लिया, उसमें हमने 4 टेबल स्पून तेल डाला था। आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैंने इस यहाँ तेल का यूज़ किया है। तो उसमें सारे जितने भी गरम मसाले थे उसे हमने इसमें डाल दिया था। और ये सारा प्रोसेस आप मीडियम फ्लेम पे कीजिएगा गैस, क्योंकि ज़ीरा है इसमें हमने ऐड किया था।
रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल। कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।